खबर की खोज, सच की पड़ताल, जनपक्ष नजरिया, बेखौफ बेबाक, सत्ता का झूठ बेनकाब, आग में तपी पत्रकारिता दागती है सवाल दर सवाल। नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। हरियाणा के करनाल से जिस तरह से पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज की फोटो और वीडियो आ रही हैं, खून से लथपथ देश का अन्नदाता भारत भाग्य विधाता दिखाई दे रहा है, जिस तरह से उसकी हड्डी, चाहे वो कान की हो, चाहे वो नाक की हो या कमर की, वह तोड़ी जा रही है। पुलिस का बर्बर लाठीचार्ज कैमरे में कैद कर रहा है किसान, जिस तरह से किसान को खदेड़ते हुए पुलिस मां बहन की गालियां दे रही है। सीधा सवाल हरियाणा सरकार से, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है कि क्या यही नया भारत वह बनाना चाहते हैं? क्या यही सबसे बड़ी तस्वीर है इस नए भारत की जो इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है? क्या इसी भारत के लिए हमने इतना संघर्ष किया कि शांतिपूर्ण ढंग से जो किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं उनके ऊपर इतना बर्बर लाठीचार्ज, वह भी बिना किसी प्रोवोकेशन के? आखिर क्यों? ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। यह बुजुर्ग भारत के भाग्य विधाता हैं, अन्नदाता हैं, खून से लथपथ इनकी तस्वीर भारत की तस्वीर है। इनका नाम महेंद्र सिंह है, यह हरियाणा के किसान हैं। इन्होंने अपने कुर्ते पे भगत सिंह का बिल्ला लगा रखा। जिस तरह से इन पर हमला पुलिस ने किया, सर फट गया इनका, पूरा का पूरा कुर्ता आपको खून से सना दिखाई दे रहा है, लेकिन इनके हौसले कम नहीं हुए। शायद जिस तरह की पुलिस बर्बरता करनाल में हुई, वह एक सबसे बड़ी नजीर पेश करती है मौजूदा लोकतांत्रिक स्थिति की। हरियाणा के करनाल जिले के घरौंदा के पास बस्ताड़ा टोल प्लाजा के पास शांतिपूर्ण ढंग से किसानों का यह प्रदर्शन चल रहा था, जिसे भारतीय किसान यूनियन ने आह्वान किया था। और यहां पर यह जोर देकर बताना जरूरी है कि जब से किसान आंदोलन पर उतरे हैं, मोदी सरकार से वे मांग कर रहे हैं कि 3 कृषि कानूनों को वापस ले, तब से हरियाणा के किसानों ने यह प्रतिज्ञा की है कि वह सरकार को, भाजपा नेताओं को, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, कहीं भी वे सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करने देंगे जब तक वह अपना स्टैंड किसानों के पक्ष में स्पष्ट नहीं करते हैं। और उसके बाद से आज तक किसानों ने अपनी यह प्रतिज्ञा कायम रखी है। जहां कहीं भी, चाहे वो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो या किसी और मंत्री का, वे पहुंचते हैं, वहां पर अपना विरोध दर्ज कराते हैं, जो कि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसे शांतिपूर्ण ढंग से वो लगातार एग्जीक्यूट करते रहे हैं। आज भी वैसा ही प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन आप देखिए पूरा का पूरा सीक्वेंस, पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी, किस तरह से इस आंदोलन पर हमला करने की तैयारी होती है। एक वीडियो जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, जो करनाल के ड्यूटी मजिस्ट्रेट का वीडियो है, इसको हम प्रमाणित नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह से इस वीडियो में, यह वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, आप खुद देखें किस तरह से इस वीडियो में यह व्यक्ति, जो खुद को ड्यूटी मजिस्ट्रेट बता रहा है, जिसे सामने खड़े पुलिस कर्मी सलूट मार रहे हैं, यस सर कह रहे हैं, वह खुलेआम कह रहा है कि किसी का भी सर बिना फोड़े नहीं रहना है। वह सीधे सीधे पुलिस वालों से कह रहा है कि कोई भी किसान इधर आए, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको भी इतनी मेहनत करनी होगी, एक भी किसान जो ये क्रॉस करेगा बैरिकेड, अगर उसका सर नहीं फूटा होगा, आपको सीधे हमला करना है, तब मैं आपसे जवाब मांगूंगा। आपकी मिनी रास्ते कर रहा हूं, सिंपल है, जो भी हो यहां से, इससे कोई भी नहीं जाएगा वहां, इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूं, सर छोड़ देना। हाँ, कहां से है सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हूं, लिखित में बता रहा हूँ, कितने लग पाता कोई डाउट मारोगे? कोई जाएगा इसको ब्रीच करके? सीधे उठा उठा के मारना पीछे, कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, क्लियर है?
ये नाका किसी भी हालत में हम रीच नहीं होने देंगे। हमारे पास पर्याप्त फोर्स पीछे है, 100 की फोर्स पीछे है, यहाँ पे आपको खड़ा रखा है। शुरू में जिस समय कोई इशू नहीं है, मारोगे ना सर? ठीक है, क्लियर है, हेलमेट पहन लो। ये और मेरे तो हमारे अलर्ट लेकर रहते हैं यहाँ पे। इस पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज के खिलाफ किसान यूनियन ने, किसान संगठनों ने बहुत ही सोची समझी पहल ली। आपको हम दिखाएंगे किस तरह से महेंद्र सिंह टिकैत ने बकायदा बयान जारी किया, शिमला से वीडियो संदेश जारी किया और कहा कि यह लाठीचार्ज बिल्कुल प्लान्ड लाठीचार्ज है, ताकि किसान 5 तारीख की जो तैयारी है उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर में जो बड़ी महापंचायत होने जा रही है वहां ना पहुंचे। एक खौफ का माहौल बनाने की तैयारी है और साथ ही साथ किसानों को सबक सिखाने पर खट्टर सरकार उतर आई है। सुनिए महेंद्र सिंह टिकैत का यह बयान। मेरा सभी हरियाणा के लोगों से ये निवेदन है कि जो करनाल के अंदर लाठीचार्ज हुआ है उसके लिए 5 बजे तक हरियाणा के सभी रास्ते जाम रहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। और सरकारों का ये चेहरा सामने आ रहा है कि जिस तरह से किसानों के ऊपर, बैठे हुए किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया, वहाँ पे बहुत लोगों को चोट आई है। और इनका पूरा फोकस ये है कि जो 5 तारीख की मुजफ्फरनगर में मीटिंग है वहाँ पे हरियाणा के लोग ना जा पाए। सभी लोग इन चीज़ों पर ध्यान दें और सभी लोग 5 बजे तक सड़कों के ऊपर आए, शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करें। राकेश टिकैत, शिमला से। इससे बड़ी विडंबना, इससे बड़ी आयरनी और क्या हो सकती है कि एक तरफ भाजपा शासित मनोहर लाल खट्टर की सरकार किसानों पर लाठीचार्ज कर रही है, उनका खून बहा रही है, धरती लाल कर रही है अपनी, और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जलियांवाला बाग को याद कर रहे हैं, वहां पर तमाम तरह की बातें लच्छेदार और दावे कर रहे हैं। वह भूल जाते हैं कि जलियांवाला बाग जिस तरह से अंग्रेजों ने निहत्ते भारतीयों पर गोलियां चलाई थी वह ब्रिटिश शासन के ताबूत की आखिरी कील साबित हुई थी। शायद इन सरकारों को याद रखना चाहिए कि जुल्म की भी एक इंतहा होती है। एक बात जो ये बर्बर लाठीचार्ज हमें बता रहा है, या इस तरह के जो आंदोलनों पर या विरोध का स्वर उठाने वाले लोगों पर हमले होते हैं, हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा है कि किस तरह से पूर्व आईपीएस अधिकारी पर सीधे सीधे उसे पुलिस उठा के ले जाती है, वे FIR मांगते रह जाते हैं, उन्हें घसीट के ले जाया जाता है। यह सब इस लोकतांत्रिक देश में उस समय हो रहा है जब फंडामेंटल राइट अभी जारी हैं, कोई इमरजेंसी नहीं लगी हुई है, यानी प्रोटेस्ट करने का, विरोध करने का अधिकार हर सॉवरेन नागरिक, संप्रभु नागरिक के पास है, लेकिन उसे सरेआम छीना जा रहा है। जिस तरह से आज देश के अन्नदाता पर, किसान पर सीधे सीधे प्लान्ड वे में हमला हुआ, वह बता रहा है कि आने वाले दिन किसानों के लिए हो सकता है मुश्किल वाले हों। किसान पर सीधे सीधे इस तरह से हमला होना, और यहां मैं जोर देके कहना चाहूंगी, आप ध्यान से सुनिए और इसकी अपने अपने मंचों पर, अपने अपने घरों में जरूर निंदा कीजिए। पुलिस वाले जिस तरह से मां बहन की गालियां दे रहे हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं कि उनकी महिलाओं के साथ यौन हिंसा करेंगे, यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। शुक्रिया।